हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाजिया फूड हब। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े। आपके साथ शेयर करूँगी दही बड़े की रेसिपी। तो रेसिपी बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए बनाना शुरू करते हैं दही बड़े। इसके लिए देखिए, मैंने लिया है ये हाफ के जी दही है और थोड़ी गाढ़ी दही का यूज़ करना है हमें। और ये दाल ली है मैंने हाफ के जी और इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने 2 घंटे से भिगोया हुआ है इसे। और ये मैंने लिया है, ये 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच है काला नमक और 6 चम्मच है शक्कर इन सारी चीज़ों को हम दही में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अभी हम पहले दाल को पीस लेंगे। दाल का हम एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसमें मिक्स करेंगे ये 2 चुटकी हींग है, 2 चुटकी सोडा है और 1 चम्मच है नमक। और फिर हम इसमें डालेंगे ये 1/2 चम्मच है काली मिर्च के दाने, 1 चम्मच है जीरा, 2 हरी मिर्चें और थोड़े से अदरक के टुकड़े। अब फिर हम इसमें थोड़ी सी दाल को डालेंगे और बहुत ज़रा सा पानी डाल के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसका। अब दही में हम सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जो भी मैंने डाली थी और दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, एकदम लम फ्री कर देंगे हम इसको। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही को एकदम लम फ्री रखना है। तो ये देखें, सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, दही अच्छी तरह से फिट किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा दही को पतला करने के लिए इसमें हम डालेंगे दूध। तो 1/2 प्याली दूध ले रही हूँ मैं और इसको पूरा ही डाल देंगे हम दूध को इसमें। और ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है दूध को। हम इसको रख देंगे कवर करके साइड में। और ये मीठी चटनी बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है अमचूर पाउडर यानी कि पिसी खटाई। और ये कुछ मसाला है जिसमें मैंने लिया है धनिया, जीरा, लाल मिर्च और थोड़ी सी सौंफ को रोस्ट करके उसका ये पाउडर बनाया है। और ये है 5 चम्मच शक्कर, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच काला नमक। ये देखें, दाल का पेस्ट तैयार कर लिया है। तो अब हम बना लेंगे दही बड़े। तो इधर रख दिया है मैंने तेल और ये अच्छी तरह से हो गया है गर्म। तो अब हम कर लेंगे दही बड़ों को फ्राई। तो इस तरह से राउंड राउंड करके हम इसमें डालेंगे बड़े। तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए तभी बड़े अच्छी तरह से फ्राई होंगे। तो ये देखें, सारे बड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं और अभी गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है जिसमें ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए एक साइड से। तो जब तक बड़े फ्राई हो रहे हैं तब तक हम बना लेते हैं मीठी चटनी। और गैस की फ्लेम को अभी थोड़ा सा हम लो भी कर देंगे।
तो मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। तो इधर दूसरी गैस पर मैंने रखा एक छोटा सा पैन, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो एक कप पानी रखा है मैंने इसमें, और ये पिसी खटाई, शक्कर, नमक, काला नमक, और ये भुना मसाला। तो भुना मसाला हम डालेंगे एक चम्मच भर के, और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे इसमें। और अच्छी तरह से चम्मच से चला लेंगे। फिर हम इसमें मिक्स करेंगे ये फूड कलर। तो फूड कलर लिया है मैंने आधा चम्मच, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चटनी बनाने में। इधर देखें ये बड़े भी फ्राई हो गए हैं, एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तो इनकी साइड को हम कर देंगे बदल। और दूसरी साइड से भी हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे एकदम लो फ्लेम पे। ये देखें चटनी भी तैयार हो गई है, 5 मिनट में बन गई है मीठी चटनी। और ये बड़े भी फ्राई हो गए हैं, तो हम इनको निकाल लेंगे। तो इनको हम निकालेंगे टिश्यू पेपर पे, जिनमें इनका एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए इसमें अच्छी तरह से। तो ये देखें इधर मैंने लिया है गर्म पानी, तो इसमें हम थोड़ी देर के लिए इन बड़ों को डिप करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो 15 मिनट हो गए, अब हम इनको निकाल के दही में डाल देंगे। तो ये देखें बड़े एकदम तैयार है, तो हम इनको कर लेंगे सर्व। ये मजेदार से दही बड़े तैयार हो रहे हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हरे धनिया की चटनी। और फिर डालेंगे ये मीठी चटनी, अमचूर की चटनी। बहुत मज़ेदार लगते हैं इस तरह से दही बड़े बने हुए घर के। फिर हम इसमें डालेंगे ये लाल मिर्च और मसाला, और चाट मसाला है ये, थोड़ा सा बस हल्का हल्का स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से। तो ये मज़ेदार से दही बड़े देखें तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को एक बार, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।